कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में काफी पोस्ट खाली पड़ी हैं, ये ऑलरेडी आप जान चुके हैं, ये वीडियो वही है। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में टीचर्स, उनका स्टेटस, सैलरी, जॉब्स अवेलेबल। इसके अलावा 29th को जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से एफिलेटेड कॉलेज की लिस्ट आई है, सॉरी एडवर्टाइजमेंट आई है, वो फिर रिवाइज हुई है 3rd Jan को। वो रिवीजन डिस्कस करेंगे, आप खुद भी देख सकते हो वो रिवीजन। ये जो है हमारे पास नई एडवर्टाइजमेंट है और ये रही पुरानी, आप यहाँ जाके देख सकते हैं। 1st 29th December को ये एडवर्टाइजमेंट थी और ये रही 3rd को रिवाइज्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। ठीक है, ये नॉन टीचिंग वगैरह रिसर्च पोस्ट लिखा हुआ है लेकिन ये वही पोस्ट है। आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगी, तो आप कंपेयर कर सकते हो। हम पुरानी जो एडवर्टाइजमेंट है, ये हमारे पास पुरानी एडवर्टाइजमेंट है, ये रही ओके, ये पुरानी एडवर्टाइजमेंट के साथ कंपेयर किया है। मुझे टाइम लग गया कंपेयर करते करते, आपका टाइम नहीं लगाऊंगा। यहाँ तक सिमिलैरिटी है, नंबर ऑफ पोस्ट में कोई चेंजेस नहीं है, 6 प्रिंसिपल है, 133 जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ये जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है वही चल रही है। ठीक, ये जो डाउट है कि पंजाब की जो ये रूल है, कौन सा रूल है, इस पर डिफरेंट वीडियो बना दूंगा। अच्छा, डिफरेंट वीडियो, ये मैं बता दूं एक बात के इसी के साथ, इतने दिन में एनालाइज कर रहा था सारी इंफॉर्मेशन। ठीक, तो फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, इसके बाद इमीडिएट वीडियो आपको मिल जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, एपीआई कैलकुलेट कैसे करने हैं, एलिजिबिलिटी क्या है यूजीसी पंजाब या पंजाबी यूनिवर्सिटी के मुताबिक, चेकलिस्ट कौन सी है जब आपने अप्लाई करना है, फॉर्म भेजना है तो, जहां उससे पहले टोटल आपने कौन सी बातें माइंड में रखनी है, वेटेज किन 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 आस्पेक्ट्स को, किन आपके मार्क्स किसके आधार पर लगने हैं, वो डिवीजन सारी बताऊंगा। रोल एंड रूल ऑफ पंजाब इन दीज पोस्ट क्या होंगे, वो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अलग से यहाँ डिस्कस करूंगा, कहीं मीनिंग नहीं समझ आते। लोकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस इन पंजाब वो अलग से डिस्कस करूंगा। वापस चलते हैं, ये रहे, हम कंपेयर कर रहे थे, यहां तक सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये रहा नंबर ऑफ पोस्ट, इधर भी है नंबर ऑफ पोस्ट, यहां तक मैंने कंपेयर किया, डिफरेंस नहीं मिला। एक ही डिफरेंस है यहां से आगे के, ये इसके बाद जो डिवीजन की हुई है पोस्ट की, इससे पहले यहां पर ऐड हुआ है ये पॉइंट, ये वाला, ये कंपेयर करेंगे, ये वाला। ओके, कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट्स, उनके डिवीजन जो है वो है। इसके बाद और कोई चेंज है वो भी देखते हैं। डिवीजन जो है, सब कैटेगरीज जो हैं, फॉर एग्जांपल शेड्यूल्ड कास्ट की आगे दो सब कैटेगरीज हैं, मजहबी सिख एंड बाल्मिक, रविदासी एंड अदर, तो वो पोस्ट कैसे डिवाइड होगी। प्रिंसिपल की एससी की दो पोस्ट है, एक M&B और एक R&O को जा रही है। मेरे ख्याल में ये डिटेल में मेरे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बॉटनी की है, एक दो जो चीजें आपने समझनी है वो यहाँ डिस्कस हो सकती है। बॉटनी की शेड्यूल्ड कास्ट की वन पोस्ट है और ये स्टार लगा है ODDD का। ODDD का मतलब है कि द पोस्ट विल गो टू SC कैटेगरी इररिस्पेक्टिव टू हिज और हर सब कैटेगरी हु इज हायर इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। इससे मेरे ख्याल में क्लियर है, जो हायर होगा ये नहीं देखा जाएगा गर्ल्स या बॉय है कौन है, जिसकी हायर मेरिट होगी उसको ये पोस्ट मिल जाएगी इस कैटेगरी में। ठीक, ये याद रखना है, जब ये SC चल रहा है, दिस इज एग्जांपल ऑफ वर्टिकल रिजर्वेशन, और ये जो सब कैटेगरी है ये दिस इज एग्जांपल ऑफ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। ये कई बार समझ नहीं आती हमें कि ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन क्या है, कब कोई भी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन किसी वर्टिकल रिजर्वेशन के बिना हो ही नहीं सकती। जहां वर्टिकल रिजर्वेशन, जहां जो 40% जनरल पूल है, जहां अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, उसके रिलेशन में ही ये सब डिवीजन होती है। ठीक, तो ये सब डिवीजन है, बॉटनी की हो गई है, केमिस्ट्री की है, एक एक है सब कैटेगरी में, M&B एंड R&O
ये मेरे ख्याल में बताने की जरूरत नहीं है, सब डिवीजन आधी आधी की हुई है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, इंग्लिश की पांच है, जैसे दो है एम एंड बी को और दो है आर एंड ओ को, और एक जा रही है जो इररिस्पेक्टिव टू ओ डी डी जो हमने बात की है नीचे, ठीक। तो ऐसे ही है हिस्ट्री की एक एक है, मैथमेटिक्स की देखिए ये है कि जो अगर दो या चार मतलब के जो सीट्स हैं, पोस्ट हैं, वैकेंसीज हैं, वो तो आधी आधी इनको जा रही है, और जो एक एक्स्ट्रा बचती है वो ओडीडी जिसकी भी इनमें से हायर मेरिट होगी उसको जा रही है। अब म्यूजिक का एक क्वेश्चन भी आया था, म्यूजिक वाले ध्यान से सुन ले कि म्यूजिक कोई भी अप्लाई कर सकता है, वो वोकल हो या इंस्ट्रूमेंटल हो, दोनों ही एलिजिबल हैं। अच्छा, फिजिकल एजुकेशन की एम एंड बी आर ओ एंड मेरे ख्याल में और कुछ भी डिस्कस करने वाला नहीं है यहाँ पर। ये कैटेगरी पंजाबी की बहुत ज्यादा है, सिक्स है, तीन तीन ये हैं और वन एस सी ओ डी डी, लेकिन ये फर्दर इसकी डिवीजन हुई है ई एस एम एक्स सर्विस मैन की। रिलीजियस स्टडी वन ओ डी 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 है और सोशियोलॉजी वन ओ डी डी है। ये फुल फॉर्म है एम एंड बी की, उन्होंने पीछे पूछा भी था जो पहली पोस्ट निकली थी, एम एंड बी का क्या मतलब है। ये सब डिवीजन है शेड्यूल्ड कास्ट की, एक 50% लगभग 50% एग्जैक्ट नहीं मुझे पता इनमें डिवाइडेड है, और रविदासी एंड अदर्स सब कैटेगरी 50% इनकी अलग से रिजर्वेशन, सब रिजर्वेशन है, ठीक। आगे चलते हैं, ये देखते हैं कि फीस में तो नहीं, कोई फीस में नहीं हो सकता क्योंकि कुछ लोग अप्लाई कर चुके होंगे, मेरे ख्याल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। 855590 ठीक है, 590 हाँ जी बिल्कुल ये सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। इट मीन्स इंस्ट्रक्शन देख लें, इंस्ट्रक्शन यहाँ पर कैंडिडेट विल हैव टू एक दो तीन चार तीन नहीं, यहाँ तक कोई भी और मुझे दिखाई नहीं दी, अगर दिखाई दी तो आपको एक्स्ट्रा फिर इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ये बात याद रखनी है कि नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ कि फॉर्म कैसे फिल करना है, कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि मेरिट लिस्ट बननी है, जो उसके लिए फॉर्म केयरफुली फिल करना जरूरी है और इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट देनी जरूरी है क्योंकि आपके मार्क्स की कैलकुलेशन थोड़ी पहले भी हो जानी है। अच्छा, स्क्रूटनी होगी, शॉर्टलिस्टिंग होगी नहीं होगी, जहां टेस्ट हो सकता है नहीं हो सकता इसकी भी संभावना है, नेक्स्ट वीडियो में अलग से बताता हूं। यहां तक ये अपडेट था, रिवीजन इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।